हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जितने भी एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं उन सारे फुल फॉर्म्स को करेंगे हम लोग, क्योंकि नेट में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फुल फॉर्म है वो है ICBN का। ICBN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर बोटैनिकल नॉर्मल क्रिएचर। देखिए अगला है ICZN। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ जूलॉजिकल नॉर्मल क्रिएचर। NBRI थर्ड है हमारा, NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। अगला है CDRI। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। देखिए IBG, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा में है, कोलकाता हावड़ा। PHTD पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको इस तरह से इस लिख के दिया जाए तो इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। RRC, RRC का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मेडुला में होता है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ANF एट्रियल नैट्रियूरेटिक फैक्टर। अगला है हमारे पास GNRH, और GNRH का फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। PRL का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन। देखिए अगला है हमारे पास TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, MSH MSH का फुल फॉर्म होता है मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH वैसोप्रेसिन, या फिर इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। T3 लिख के दिया जाए तो इसका मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 का मतलब है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। TCT थायरोकैल्सिटोनिन। अगला है PTH पैराथायरॉइड हार्मोन, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, PGA फॉस्फोग्लिस्ट्रिक एसिड, OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, रोबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेस, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक कोएंजाइम है। अगर आपको COA लिख के दिया जाए तो इसका मतलब होता है कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट, PGRs प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, NAA नेफ्थेलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, GA जिब्रेलिक एसिड, PMC पॉलेन मदर सेल, या फिर आपको लिख के दिया जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन आप इसका MMC नहीं बना लेंगे, MMC होता है मेगा स्पोर मदर सेल, MMC नहीं होगा इसका। MMC का फुल फॉर्म होता है मेगा स्पोर मदर सेल। पेन PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगला है हमारे पास HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अगला है RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, VD वनरियल डिजीज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IUDs इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, OCPs ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ERT असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिफ्ट, जायगोट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये भी आपसे नेट में पूछा गया है। GIFT ये भी आपसे पूछा गया है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। देखिए IUT इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखिए IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर ये अलग है, IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखिए AIT या फिर आपको क्लिक किया दिया जाएगा AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ICSI इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए अगला है हमारे पास IVF, इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, SCA सिकल सेल एनीमिया, PKU फिनाइल केटोन्यूरिया, NHC नॉन हिस्टोन्स क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। देखिए SNRNA इसका फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, SNRNA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, SRNA सॉल्युबल RNA, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन्स, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, LC ELSI इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, BAC बैक्टेरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी आपसे नेट से पूछा गया, ESTs एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टाइप्स, SNPs SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, SCRR स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, MALT MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, NACU नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, CON इसका मतलब है सेलुलर ऑन्कोजींस। देखिए सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, MOET मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रोयो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। देखिए अगला है ICWMI इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेट एंड मेस इम्प्रूवमेंट और ये है मैक्सिको में, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए वहां था IARI। देखिए यहां था IARI और इसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ पे है IRRI और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है फिलीपींस में, SCP सिंगल सेल प्रोटीन लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगला है STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो याद रखिए कि बायोकेमिकल लिखा गया है यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, KPIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, BT इसका फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, NPV न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ECOVAR1 स्टर्शिया कोलाई RY13 और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, PBR322 प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TAC इसका मतलब है थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, आरएनएआई इसका मतलब है आरएनए इंटरफेरेंस, एडीए एडिनोसिन डी अमाइनेज। देखिए जीईएसी, ये भी आपसे नेट में पूछा गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, तो इसको भी याद रखिएगा। एनसीईपीसी नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972, मोइफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी आपसे पूछा गया है। आईएनएसए इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन। अगला है आईयूसीएन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये देखिए सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, सबको पता होता है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। अगला है फोम, फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श, ये भी आपसे पूछा गया है, फोम फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श, डीयू डॉप्सन यूनिट्स, डीबी स्मॉल डी कैपिटल बी डेसिबल, सीएफसीज क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जेएफएम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपसे पूछा गया 1980। तो ये थे आपके सारे, जितने भी आपको एनसीईआरटी में फुल फॉर्म दिए गए थे ये सारे फुल फॉर्म थे। तो अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग कुछ और नया करेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।